हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल गार्डन ज्ञान। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों आपके लिए लाया हूं मैं फ्लैक्स योलो। देखिए स्वर्णफूली, बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट दोस्तों, और ये बहुत रेयर होता है, हर नर्सरी में नहीं मिलता है और हर एरिया में। ये मुझे वेस्ट बंगाल से मिल गया दोस्तों, तो मैं इसे ले आया था। ये अप्रैल के महीने में मैं लगाया था, 5-6 महीना हो गया है इसको। और इसके छोटे छोटे फ्लावर लेकिन डीप येलो कलर में आता है और बहुत सारे खिलता है दोस्तों गुच्छों में। और प्लांट जितना पुराना होता है बूसी लुक में आ जाता है और फूलों से भर जाता है। और ये मेनली आपका ऑटम से विंटर तक खिलता है, स्प्रिंग में भी खिल जाता है दोस्तों। और ये खास बात है, ये पेरिनियल है, एक बार आपके गार्डन में आ जाए तो सालों साल चलता है। और दोस्तों मेंटेनेंस भी इसका कुछ खास नहीं, बस वेल ड्रेन्ड सॉइल में लगाइए इसको, गोबर खाद मिला के, और ज़्यादा एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर भी इसको नहीं चाहिए। और रही बात इसकी प्रोपागेशन की दोस्तों, यहाँ से स्टेम कटिंग करके आप नया प्लांट बना सकते हैं, लेकिन मैं ट्रायल नहीं किया हूँ। और इसको बड़े से पॉट में लगाइए, परमानेंट प्लांट है तो बड़े से जगह में लगाने पर बार बार रिपोर्ट करना नहीं पड़ेगा आपको। और गार्डन सॉइल कैसा भी आप ले जाइए, वेल ड्रेन सॉइल ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि पानी जमता नहीं है। और नीचे आप इसे लगाते हैं तो इसे और भी आसानी होता है बढ़ने में, बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है और हरा भरा लगता है। ये प्लांट दोस्तों मेरे ख्याल से बहुत रेयर है, आप लोगों के पास ये होगा कि नहीं होगा मैं नहीं जानता हूँ, अगर आपके पास है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। और सनलाइट रिक्वायरमेंट की बात करें तो दोस्तों ये फुल सन में चलता है, विंटर में इसे फुल सन में रखिए और समर में मॉर्निंग सन। ये आउटडोर प्लांट है दोस्तों, आउटडोर ही रखिएगा इसको। मैं दोस्तों स्टेम कटिंग करके इसका प्रोपागेशन करना चाहता हूं, पर ये फूल कम ही नहीं हो रहा है, बार बार इसमें फूल आ रहा है। बहुत ही बढ़िया प्लांट है दोस्तों, साल के हर महीने में ये आपको फूल दे देगा, तो इसे आप ज़रूर लाइए और लगाइए। वैसे भी येलो मेरा फेवरेट कलर है और ये छोटा हिबिस्कस जैसा ही दिखता है दोस्तों। और यूट्यूब पर भी दोस्तों आप सर्च कर लीजिएगा, इस प्लांट के ऊपर बहुत कम वीडियो है और हिंदी में तो टोटली है ही नहीं, तो मैं सोचा इस पर वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लूं। और देखिए ओवर फर्टिलाइज़र आप इसको देंगे तो पत्ते येलो हो जाता है, मैं DAP थोड़ा ऐड कर दिया था लेकिन उससे फ्लावरिंग तो आ गया दोस्तों, लेकिन थोड़ा ओवरडोज हो गया। तो ये था दोस्तों मेरा फ्लैक्स के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर जल्द मिलते हैं और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।